हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट। हाँ, ये ठीक है। सो वेलकम टू द चैनल। ऑडियो के लिए माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि आईफोन पे शूट कर रहा हूँ मैं मेरे, और अभी मैं आया हूँ वाशी। जस्ट आधे घंटे का फर्क है। आधे घंटे पहले जो आपने मेरे को विदाउट सनग्लासेस देखा था, दैट वाज इन पनवेल। अभी मैं पहुंचा हूँ वाशी। तो वाशी में एक स्पॉट है जहाँ पर यू नो लाइक ऑथेंटिक पंजाबी वैरायटीज फूड मिलते हैं। और यहाँ पर आने का मेन कारण ये है कि कल के लिए, कल जो करवा चौथ का व्रत है उसके लिए मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग यू नो सनराइज से पहले जो लेडीज़ लोग खाती है, जिसको सरगी बोलते हैं, तो वो मैं लेने आया हूँ यहाँ पर। तो अभी क्या क्या लिया है वो भी आपको दिखाता हूँ, कहाँ से लिया है वो भी आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द शॉप। क्या क्या लिया मैडम? मट्ठी ली है, शक्करपारी ली है, सूतपेनी ली है। ओके, वेरी गुड। अचार भी मिल गया था तो मैंने मिर्ची का अचार और छुंदा भी ले लिया। सो यहाँ पर ये दुकान से एक और अच्छी चीज है, दिस इज इन सेक्टर नंबर 17 वाशी। मैकडी यहाँ पर पीछे ही है, और मतलब दिस इज द लैंडमार्क बेसिकली। मैकडी के बाजू में एक सिग्नल है, सिग्नल से लग के ही ये दुकान है। सो नाउ ऑल द वे टू चेंबूर। सो शाम के बज चुके हैं 5:15 एग्जैक्ट टाइम, 5:16। सो टुडे इज 4th November। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फुटेज देखी, जो भी क्लिप्स देखे वो सारे 3rd November के थे। सो आज है 4th November और आज एग्जैक्टली करवा चौथ का दिन है। एंड क्या प्रिपरेशन चल रही है, अभी थोड़ी देर में पूजा होगी। करवा चौथ का व्रत है तो चौथ माता की पूजा होती है, उसमें कथा सुनाई जाती है। आज के दिन हर लेडीज़ हर सुहागन करती हैं, जो बोलते हैं ना अपने आप को अच्छी तरीके से सजती है, सवेरती है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे मैरिज के दिन एक दुल्हन सजती है उस तरीके से। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव 3 sister-in-laws टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और आज के दिन यू नो लाइक स्पेशली उनको, मेरी वाइफ को सजने संवरने के लिए पूरा एकदम तैयार होने के लिए काफ़ी हेल्प हो रही है। सो लेट अस जस्ट गो इनसाइड। उससे पहले एक थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, चेंबूर का, जहाँ पर ये घर है। सो एज यू कैन सी बिहाइंड मी, ये एक व्यू है, दिस इज़ फ्रॉम द लिविंग रूम। सो जो फर्स्ट ब्रिज आप देख रहे हो, दैट फर्स्ट ब्रिज इज़ बेसिकली यू नो लाइक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। उसके आगे वाला जो वो दो बिल्डिंग के बीच में जो पार्ट है, एक जो ये कांच की बिल्डिंग है और ये वाली बिल्डिंग, उसके बीच का जो पार्ट है, जो दूर एक ब्रिज है, दैट इज़ ईस्टर्न फ्रीवे। सो दिस इज़ वन व्यू। आई विल शो यू द अनदर व्यू, दैट इज़ ऑल्सो मोर, दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन दिस वन। सो दिस इज़ द बेडरूम बालकनी एंड द व्यू बिहाइंड मी इज जस्ट ऑसम। ये देखिए, दिस इज ऑन दिस साइड जो अभी लिविंग रूम से दिखाया था, एंड दिस इज द अदर साइड। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग कमर्शियल, दिस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी ओनली, उसका काम चालू है। एज आई बिलोंग टू रियल इस्टेट इंडस्ट्री, सो कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी फ्लैट या कोई भी बिल्डिंग में विजिट करता हूँ तो जनरली बोलते हैं ना, वो एक सिक्सेंस अपने आप जाग जाती है, क्या कारपेट एरिया है, क्या सीलिंग हाइट है, कैसा प्रोजेक्ट है, पार्किंग कहाँ है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आई जाती है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पर ये घर है, दिस आई विल रेट 10 out of 10, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, द लोकेशन, लोकेशन तो ऑसम है बिकॉज यू कनेक्ट टू ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यू कनेक्ट टू ईस्टर्न फ्री वे वेरी इजिली फ्रॉम हियर। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका हर एक फ्लैट का कारपेट एरिया, मतलब है 2 BHK बोलने के लिए, बट इसका कारपेट इज एज गुड एज अ 3 BHK आज के डेट का। दिस इज़ अ गुड एरिया। चलो अपने करवा चौथ वाले सब्जेक्ट को कवर करते हैं। क्या चल रहा है? सो शी इज़ माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ, और दो हैं जो काम पे गई हुई है, वो आएंगी थोड़ी देर में, तो उनसे भी और हेल्प हो जाएगा। सो मैडम, हाउ आर यू फीलिंग? Because I'm getting a lot sisters. of help. Yes, this time I actually relaxed a lot because I've got a lot of help in terms of cooking. My mom is cooking. My sister has done this beautiful mehndi for me. दोनों हाथ का दिखा ना, दोनों हाथ का दिखा। So it's like beautiful. And now the other one is doing makeup for me. जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, मतलब हर साल मैं सेल्फ थोड़ा बहुत जो मैं मेकअप घर पे करती हूँ वही करती हूँ, बट दिस टाइम आई एम गेटिंग प्रॉपरली ग्रेट ट्रीटमेंट
from all of my family members, so it feels great. And especially वो time पे जब work from home चालू है. Actually. जो पूजा होगी उसमें मिलते हैं. It is not just her fast जो वो मेरे लिए रख रही है करवा चौथ का, but fortunately क्या होता है कि हर साल इसी दिन संकष्टी चतुर्थी भी आ जाती है. So मैं generally fast रखता हूँ वो दिन, हर महीने में एक बार आती है. So आज वो दिन है. So it is really nice कि मतलब उसने मेरे लिए fast रखा है और मैंने भी fast रखा हुआ है. So you know, like we are complimenting each other. एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अभी इतने सारे वीडियोस बना लिए हैं तो ये राइट टाइम है टू डिस्क्लोज व्हाट एग्जैक्टली आई डू. कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है, बट यू नो लाइक व्हेन आई एम शेयरिंग माय लाइफ कम्प्लीटली तो ये चीज़ मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड चीज़ें क्यों हिडन रहें. सो आज यू नो लाइक आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज समथिंग अबाउट माई प्रोफेशन, वाई आई फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे मेरे मैक्सिमम वीडियोस ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट रिलेटेड क्यों होते हैं. बिकॉज आई एम अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, नॉट एज एन बिजनेस काइंड ऑफ, बट आई वर्क फॉर अ रियल एस्टेट डेवलपर. आई हैव वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 3-4 गुड रेप्यूटेड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सिंस लास्ट 17 ईयर्स. सो दिस इज़ माई 18th ईयर रनिंग इन रियल एस्टेट. With that said, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रियल एस्टेट रिलेटेड अगर कुछ भी अगर पूछना है या आप कहीं पर कंफ्यूज हो या फिर अगर कोई आपका सब्जेक्ट चल रहा है तो यू कैन एनी टाइम यू नो कमेंट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, डू लेट मी नो अगर मैं किसी काम आ पाऊँ आप लोगों के. तो रियल एस्टेट की तो बात हो गई और आप लोगों को एक गाइडेंस के तौर पर मेरा चैनल मिल ही गया. तो नाउ लेट्स फोकस ऑन टू आवर मेन सब्जेक्ट जिसके लिए ब्लॉग बनाया, करवा चौथ वाला सब्जेक्ट पे जाते हैं, फोकस करते हैं, देखते हैं तैयारी कहाँ तक पहुँची है. सो ऑल रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन. जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा कथा करेंगे, कथा करने के बाद में फिर एक ही काम बचता है, चंद्रमा का वेट करने का. तो अब हम करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं. आज सिंस मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में नहीं है पूजा करने के लिए, तो मैंने दो करवे रखे हैं जिसमें से एक करवे में पानी है और एक करवे में हम मीठा कुछ भरते हैं, जैसे शक्कर हो गया या चावल की पिन्नियाँ हो गई, कई जगह पिन्नियाँ भरते हैं, कई जगह शक्कर भरते हैं या फिर कुछ मीठा आहार भरते हैं. और उसके अलावा मैंने इनमें दोनों पे कलेवा बांधा है, तो जनेऊ कलेवा बांधा है. और उसके अलावा मैं इसमें 13 टिकिया करती हूँ जो मेरे ससुराल में किया जाता है, तो मैं इसमें ये मिश्री भर रही हूँ. मैं इस करवे को 13 टीके लगा दूँगी क्योंकि 13 चौथ को हम मानते हैं, तो उसके हिसाब से ये 13 टीके हम करते हैं. थोड़ा सा शगुन दो जो मैं करवे में रख सकूं, जो अच्छा, ये करवा मैं बाद में अपनी सास को दूंगी. अच्छा, शगुन डालना पड़ेगा उसमें. जी ओके. सो 500 पर ही रखा गया है बेसिकली टू रिजेंबल यू नो गणपति बप्पा. एंड इस करवे में अब शगुन. सो शी विल बी एक्सचेंजिंग दिस पर्टिकुलर करवा विद माय मदर. चलो ये सब लोग जो आ गए हैं बैठ जाओ कथा सुनने के लिए.
और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। कथा का ऐसा है कि कथा सुननी होती है तो वो कोई भी सुना सकता है, जनरली मैं सुनाता हूँ तो मैं सुनाऊंगा एंड शी विल हियर इट आउट। अभी मैं लगाऊंगा। नहीं, मम्मा लगाती है सबको। मम्मा लगाती है। देखो मैं पापा पापा को लगाया, देखो पापा ने नहीं लगाया, देखो देखो नहीं लगाया। अभी जाओ जाके बैठ जाओ, अभी पूजा करनी है, ठीक है। बाय आर काउंटिंग द राइस। बराबर है ना, सब कुछ जानना जरूरी है। वो चावल के दाने गिन रही है, अभी वो उसका क्या महत्व है बताता हूँ रुको। 13 चावल के दाने, अनाज के दाने लिए हैं जो हम, जिसे हम अक्षत कहते हैं। तो ये अक्षत और ये फूल को साक्षी मानकर मैं इनसे कथा सुनूंगी, और जब चंद्र उदय होगा तो इसी फूल और अक्षत से मैं चंद्रमा जी को अर्घ दूंगी और अपना व्रत तोड़ूंगी। सो आप मेरी एक सिस्टर इन लॉ से तो मिल चुके थे, शी इज़ माई सेकेंड सिस्टर इन लॉ। तो पहले वाले ने पूरा बोलते ना मेकअप का किया था एंड शी इज़ अ गुड फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफी एक डिपार्टमेंट इनका है। मैं ब्लॉगर हूँ यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इतने साल हो गए शादी के लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है सब नया नया कर रहा हूँ मैं, जैसे कि जिन्होंने कि मेरे को मेमोरी लॉस हो गया। सो हियर वी स्टार्ट। और थोड़ी बहुत हिंदी अच्छी है मेरी, बट अगर कहीं पर अटक जाऊँ तो माफ़ करना। पूरी कथा इसमें ब्लॉग में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा और करना भी नहीं चाहिए, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत समझ गया ना। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। यही करवा चौथ के उपास की सनातन महिमा है। चौथ माता की जय। स्टोरी नंबर 2। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। चौथ माता की जय। सो स्टोरी कंप्लीट, टाइम फॉर आरती। तो आरती में सबसे पहले गणपति अप्पा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति अप्पा मंगल मूर्ति। सो मेरा पार्ट हो चुका है, नाउ शी विल बी डूइंग हर पार्ट, सो आई एम गोइंग बैक साइड ऑफ द कैमरा। ले सुहागन करवा ले, भाई की बहनी करवा ले। ले सुहागन करवा ले, भाई की बहनी करवा ले। ले सुहागन करवा ले, भाई की बहनी करवा ले। व्हाट नेक्स्ट? खड़े हो जाओ, पति परमेश्वर जी के चरण स्पर्श कर। ए होल्ड द कैमरा प्लीज। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोसीजर। शादी के बाद में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, यू मेट लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू स्टे टुगेदर, यू नो लाइक एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पेक्ट ईच अदर। दीदी यू हैव समथिंग टू से? करवा चौथ इज प्रॉब्ली लाइक आज के दौर में इट्स मोर लाइक अ फैशन दैट वी फॉलो, कि यू नो वी गेट टू बाई न्यू क्लोथ, वी गेट टू डेक अप एंड एक्सेट्रा, एंड गैदरिंग होती है, एक काइंड ऑफ यू नो लेडीज गैदरिंग होती है वेर इन आप साथ में आके पूजा करते हो एंड अपनी करवाज एक्सचेंज करते हो। बट आई थिंक द जो ये जहाँ से भी इसकी शुरुआत हुई थी, द मेन मोटिव बिहाइंड दिस पूजा वॉज टू ब्रिंग द बॉन्ड एंड द लव इन द रिलेशन दैट यू हैव, दैट यू रिस्पेक्ट ईच अदर। आई थिंक द बेस्ट द मेन एसेंस बिहाइंड दिस करवा चौथ पूजा इज दैट यू लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर एज ही सेड, एंड बी देयर फॉर ईच अदर, हैव ईच अदर्स बैक, एंड ऑलवेज स्टैंड थ्रू थिंग्स एंड थिंग्स विद ईच अदर। And be childish to each other, because that is more important. जहाँ पर आपने सोच लिया कि आप बड़े हो गए और बड़े जैसे बात करने लग गए, वहाँ पर बहुत सारी चीजें messed up हो जाती है. So be childish. Happy Karwa Chauth to all. Happy Karwa Chauth to everyone across the world. Happy Karwa Chauth. So this is the new outfit जो मैं कुछ देर पहले मैं unboxing कर रहा था. So this is what I have got from Myntra, and it is really nice. बहुत अच्छा है. So सारे procedures complete हो चुके हैं. अभी सिर्फ
एक वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग 8:52 टाइमिंग मून राइज का इन मुंबई बट नॉट श्योर बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी हेजी हाउ आर यू फीलिंग दिस करवा चौथ फुल रेड रेड नहीं क्या जरूरी भी है मतलब पूरे साल में कितनी बार बताना तैयार वायर होते हैं आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट सो अभी फुल ऑन फोटोग्राफी सेशन वगैरह सब चल रहा है सो आई थिंक इसको स्किप करता हूँ डायरेक्टली जब भी मून राइज होगा वो शॉट ही लेते हैं इसमें ठीक है चलो मिलता है सो चांद निकल गए हैं और अब एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड राइट 8:52 का टाइमिंग था लेकिन राइट नाउ इट 9:20 हुआ है सो टाइम पे दिख गए मतलब इट्स नॉट वेरी क्लियर बिकॉज ऑफ हेजी क्लाइमेट बट जो दिखना चाहिए वो दिख चुका है एंड वी आर डूइंग द प्रोसीजर्स तो सबसे पहले पानी पिलाओ पूरा नहीं ओके वी आर डन तो करवा चौथ का दिन कंप्लीट हो गया है अभी जिन लोगों को चांद नहीं दिखा है उन लोगों को चांद दिखा देता हूँ मैं सो बिहाइंड मी ये जो रेड डॉट है ये वाला एग्जैक्टली मेरे फिंगर टिप के ऊपर दिस इज द मून सो कहा यह जाता है कि पूरा का पूरा चांद उगने का वेट नहीं करना है जो इस तरीके का चांद जो दिखता है ये वाला जो है ना इसका देख के व्रत तोड़ना चाहिए दिस इज वॉट वी आर मेंट फॉर हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति इसी को कायम रखना है चलो फिर मिलते हैं वापस अभी प्लान ये है कि अभी चेंबूर से निकलेंगे खाना पीना खा के एंड विल गो टू माई प्लेस एट पनवेल सो फिर बाकी की बातें वहाँ पर करते हैं चलो सिया